हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जैसे देख सकते हैं मेरे साथ बैठी हुई है एक गेस्ट, इनका नाम है कनिष्का और मैं इनकी बेटी हूँ। चलिए, और कनिष्का अभी 13 इयर्स की है और तो कनिष्का को बहुत सारे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए। जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चों को पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत बच्चे जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। तो कनिष्का के जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो यहाँ है क्योंकि प्रॉपर अगर आपने डाइट नहीं किया ना, देखिए मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रही हूँ कि प्रॉपर डाइट नहीं किया, अगर मम्मा वेजिटेबल्स बनाती तो आपको प्रॉपर खाना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये कहीं ना कहीं किडनी बेस्ड प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर बराबर यूरिन पास नहीं होता है या फिर कोई भी चीज, अगर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो यहाँ पे आपकी पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कनिष्का को बहुत बार बोलती हूँ, जबरदस्ती करके भी मुझे बहुत सारे करेले और स्पिनेच, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है जिन्हें खिलाना ही पड़ता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे जो पिंपल्स आने के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी अगेन स्टमक अपसेट होता है तो भी होता है, बट वो एज के हिसाब से हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो पिंपल्स आने के ये भी कारण होते हैं। तो बहुत सारी रीजंस होती है गाइस, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कनिष्का के फेस पे किस तरह से मैं इसे पिंपल्स को ट्रीट करती हूँ। मैं बहुत सारी प्रिकॉशन लेती हूँ, राइट और रॉन्ग? यस, ऑलवेज। बच्चों की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसी अकॉर्डिंग में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं कनिष्का के फेस पे जो पैक बना के लगाती हूँ एक्नी के लिए, पिंपल्स के लिए, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और काफी हद तक वो कंट्रोल में भी रहता है। अदरवाइज आपकी जो बोलते ना पिंपल्स और वो स्कार्स और वो जो पोर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिखने लग जाते हैं, वो बहुत बेकार लगता है आगे जाके। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। मेरा मेन इन्ग्रीडियंट है आज के DIY बनाने का मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी क्या में होता है, बहुत सारा रिच ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिससे कि ना हमारे जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी फ्लॉलेस भी होती है, प्लस साथ ही साथ एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है ना उससे वो दूर भी करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक्सेस ऑयल भी रिमूव करता है। तो एक बोल लेना है, वन सेकेंड ना। तो हमारी मेन रोल मॉडल यहाँ बैठी हुई है, तो सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है आपको। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी। तो कनिष्का होल्ड दिस। सो देखिए, 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी लेना है आपको, और मुल्तानी मिट्टी ना फ्रेंड्स अच्छा वाला ही लेना, अगर आप यूज करते हैं ना बच्चों की स्किन पे या फिर अपने स्किन पे भी, तो अच्छी ब्रांड का मुल्तानी मिट्टी लीजिए, काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नीम का पाउडर। नीम के पाउडर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये काफी हद तक हमारे स्किन को ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारे स्किन को बहुत ही सूट करती है। प्लस साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसे भी लिया, तो दोनों मैंने हम ऐड करेंगे अभी हमारा हनी। तो यहाँ पे मैंने हनी एकदम फ्रेश वाली, अच्छी वाली हनी ला के रखी है, ताकि मैं इसे एक्चुअली सिर्फ अपने फेस पे ही अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हनी लिया है मैंने। चलिए अब ऐड कर लेते हैं हनी को। अब हमें हनी लेना है, इसके अंदर ऐड करना है हनी। सो हनी भी अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून ऐड करिए अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रोज वाटर। जी हाँ, ये रोज वाटर है जो एलोवेरा के साथ मैंने बनाई है, एलोवेरा प्लस रोज वाटर। इसकी जो DIY मैंने बनाई है, ऊपर कार्ड लगा दी है, आप लोग जरूर चेक करिए, और घर पे ही एलोवेरा एंड रोजेस पेटल से लेकर आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा है क्योंकि ये होममेड है ना, बाजार वाली नहीं है, तो मैं ये अपनी जो मैंने बनाई उसे यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं इसे 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग ऐड करूंगी यहाँ पे रोज वाटर को, और इसे इस इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो हमने क्या क्या ऐड किया था कनिष्का, बता दो। मुल्तानी मिट्टी, नीम का पाउडर, हनी, यस, वो रोज वाटर। या वेरी गुड, गुड गुड स्टूडेंट ना। तो इसे हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से एकदम लम्स फ्री हो जाए, फिर हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो मुल्तानी मिट्टी काफी अच्छा होता है एक्नी के लिए, आप जरूर ट्राई करिए, और नीम पाउडर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है बहुत अच्छा काम करती है, आपके जो कीटाणु होते हैं ना वो मारने का बहुत अच्छा काम करती है। तो ये नीम पाउडर आप जरूर ऐड करिए, और हफ्ते में आपको ना इसे 2 से 3 बार लगाना है। आप 2 बार भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और इस पेस्ट को देखिए, इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं कनिष्का के फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं क्या करने वाली हूँ,
जो इनका फेस है ना क्लीन करूंगी, तो टिश्यू पेपर लेना है। अगर आपने इसे थोड़ा सा गर्म पानी में डिप किया है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं, तो जब हम ये पैक लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले अनिष्का के फेस को हम क्लीन करेंगे, तो ये थोड़ा सा हॉट रहे तो अच्छा, और फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले एक्नी जो यहाँ पे एक्नी है ना, तो उसे मैं यहाँ पे क्लीन कर दिया है अच्छी से, और इस पैक को अब हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से, तो मुझे उठना पड़ेगा, ये देखिए मैं आपको क्लोज कैमरा में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। वन सेकंड, तो मैं साइड में बैठ के यहाँ पे, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? और जी सारे बच्चे यही आंसर देते हैं, लेकिन मम्मा ने केयर तो करना ही पड़ेगा ना, और ये पिंपल्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करना, और डायरेक्शन आप देख लीजिए, इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी जब आप कहीं पे अपने फेस पे इसे अप्लाई करते हैं। तो और इसे हम सूखने देंगे, 10 से 15 मिनट कम से कम लग जाएंगे इसे ड्राई होने के लिए। अब इसे पूरे फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्किन जो है ना वो काफी अच्छी भी रहेगी, और मुल्तानी मिट्टी होने की वजह से ना, और रोजेस रोज वाटर होने की वजह से स्किन काफी अच्छी होती है। तो ये फ्रेंड्स, ये 10 to 15 इसे आप अपने बच्चों के फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे अगर 10-12 साल के हैं आप इसे इनके फेस पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं पिंपल्स के एरिया पे इसे कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। अच्छा नीट एंड क्लीन ब्रश लेके ही इसे अप्लाई करिए, बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। देखिए तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इनको लगा दिया है, अब कम से कम 10 से चलेगा, हम दोनों माँ बेटी एक साथ मिलके बना रहे हैं ना, तो हमारी जोड़ी इस तरीके, तो 10 से 15 मिनट से सूखने के लिए टाइम देते हैं, और मिलती हूँ मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद। ओके, ये हिलते डुलते हमारा जो है ना ये अच्छी तरह से सूख चुका है, मतलब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हनी की वजह से थोड़ा सा ये मॉइस्ट रहता है, तो अब इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ओके,